भाई तुमने ना लोगों के बड़े तरह तरह के शौक देखे होंगे। किसी को गाड़ी का शौक है, किसी को घोड़े का शौक है, किसी को लव करने का शौक है भाई। लेकिन तुम्हें पता है कि इंडिया के नंबर वन ढीले व्लॉगर सुलभ भाई को किस चीज का शौक है? भाई सुलभ भाई को शौक है लोगों को शौक देने का भाई। और भाई ये बंदा इतना बेरहम है भाई, ये बंदा इन लोगों को ना अलग अलग तरीके से टॉर्चर करता है भाई। कभी तो ये बंदा इनको पेन से झटके देता है, कभी ये बंदा इनको फोन से झटके देता है, कभी ये बंदा इन्हें बच्चों वाली बंदूक से झटके देता है भाई। ठीक हो आप? भाई तो अच्छी चिल्लड़ों की तरह बिखर गए और तू कह रहा ठीक हो आप? भाई कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा गांव से इंसान नहीं भाई, सब खिलौने उठा के लेके आया, इनके साथ ही कुछ भी करता रहता है भाई। और भाई सुलभ भाई को ना तब तक चैन नहीं आता जब तक उनके दिए हुए झटके ना भाई, उनके दिए हुए बिजली के झटके लोग इज्जत से अपना ना ले, तब तक सुलभ भाई उस इंसान की जान के पीछे पड़े रहते हैं भाई। एक बार मजा आएगा, एक बार बस, एक बार दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी दिक्कत, नहीं होगा कुछ नहीं होगा, नहीं गीले गाले से कुछ, हाँ नहीं गीले गाले से कुछ नहीं हो रहा यार। मम्मी तुम चुपचाप से बिजली के झटके खाओ ना यार, ज्यादा से ज्यादा बिजली का झटका थोड़ा और तेज की तो लगेगा आपको। चुपचाप से तुम यार मेरी वीडियो कंटेंट निकालो यार, क्या है ये हाथ गीले गीले भाई। जब ये बंदा अपनी माता जी पे रहम नहीं खा रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि इन खिलौनों पे रहम खाएगा? नहीं होगा, बस एक बार एक्सपीरियंस कर लो, एक एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, एक एक्सपीरियंस तो करना चाहिए भाई। तो आंटी को किसी 5D मूवी थिएटर में मूवी दिखाने लेके जा रहा है क्या भाई? तो आंटी को बिजली के झटके दे रहा है भाई, बिजली के झटके, उसके एक्सपीरियंस किसी को नहीं लेने भाई, तू अकेले बैठ के ले। दबाओ, अभी बाबू ने किया भाई, तुम समझ ही गए हो, जब सुलभ भाई तुम्हें झटके देने आए ना मतलब बिजली के, तो भाई तुम्हें ना चाहते हुए भी वो लेने ही पड़ेंगे भाई, वरना सुलभ भाई तुम्हारी गेंद में घुस जाएंगे कीड़े की तरह। क्या है बिजली के झटके ले लो यार, ले लो, अरे मजा आएगा एक बार ये एक्सपीरियंस लेके तो देखो। करंट लग रहा है, पढ़ रहा है, बट उतना रिएक्शन नहीं आ रहा। हाँ यार उतना रिएक्शन नहीं आ रहा यार, क्या यार दादाजी अभी तक आप कुर्सी से नीचे गिर के यार मुंह से झाग तो निकाला ही नहीं अभी तक आपने, अब कैसे होगी मेरी वीडियो वायरल? बस देख लिया, देख लिया। अब भाई इधर चिचन और सुलभ भाई ने मिलकर इतना गंदा काटा है ना इस बंदे का, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है उसमें। दबा, वो तो रहे क्या कर रहे अभी का सीन है कि अभी मैं करने वाला हूँ सौरदेव प्रैंक, पास एक कलर का पैकेट और कलर ही कलर डाल दूंगा और फिर उनका रिएक्शन देखेंगे भाई। क्या प्रैंक है भाई ये? मैं भी इस गाड़ी पे मूद दूंगा फिर उसके बाद सुलभ भाई का रिएक्शन देखेंगे, मैं भी इस गाड़ी पे हग दूंगा उसके बाद सुलभ भाई का रिएक्शन देखेंगे। इसमें प्रैंक क्या हो रहा है भाई, तो गाड़ी खराब कर रहा है ना, इसके 4-5 बिजली के झटके और देने चाहिए थे यार। भाई अंकल ने जितनी मेहनत करी है ना ड्रीम कार बोलने में, उससे साफ पता चला कि सुलभ भाई ने कितनी मेहनत करी है ड्रीम कार लेने में। अरे बस 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 कर, बस बस। अबे भाई कितना बदतमीज है यार ये बंदा, मतलब अंकल इसे रोकने आ रहा है और इस बंदे ने अंकल के मुंह के अंदर ही पूरे गुलाल का पैकेट दे दिया भाई। तो कैमरा ऑन था नहीं तो सही बता रहा हूँ मैं, अंकल ने इसको इसी सड़क पर नंगा करके ना इसकी पीठ पे पट्टे बजाते भाई। बंदा बड़े होकर ना गौरव जोन 2.0 ही बनेगा। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है वनएक्सबेट, ऑफिशियल पार्टनर ऑफ PSG एंड सीरिया ए, जहाँ पे आप क्रिकेट फुटबॉल टेनिस लाइव मैचेस देख के आप उनके स्कोर को प्रेडिक्ट करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो, और इसी के साथ आपके पास मौका आईफोन लैपटॉप कैश प्राइजेस जीतने का। इस ऐप पे आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे जैसे क्रैश, क्रिस्टल, अंडर एंड ओवर 21, ऐसे बहुत सारे गेम्स खेल के आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो। और गाइस अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करके रजिस्टर करते हो तो आपको आपके फर्स्ट डिपॉजिट पे 20,000 रुपए तक मिल सकते हैं, और गाइस आप अपने पैसे को इजीली विद्रॉ कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई, क्रिप्टो या फिर पेपर के द्वारा, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी। तो गाइस देर किस बात की, इसका लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो गाइस यूज माय प्रोमो कोड प्ले गेम्स एंड विन एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खतरनाक वाला जादू जिसमें मैं इस 500 के नोट को हवा में उड़ाने वाला हूं। भाई सौरभ भाई यार इतनी एनर्जी मत दिखाया करो यार खतरनाक जादू दिखाते समय यार, एक्साइटमेंट से पागल हो रहा हूं तुम्हारी एनर्जी देखकर। ये देखो जादू, जादूगर भाई, जैसे इस बंदे की एनर्जी थी ना भाई खतरनाक जादू दिखाते समय वैसा ही भाई अम्मा का रिएक्शन था बिल्कुल, जादूगर मूड दिया यार इसके खतरनाक जादू पे। अलग ही फिल्म रख रही है इन बंदों ने अपने घर के अंदर। चीचा को लग रहा है सौरभ भाई ने 200 रुपए ऊपर से देते हैं बकचोद से हरकतें करने के लिए, मतलब मुझे लग रहा है कि वो झटका ना सही लगा था चीचा के, डिजर्व करते थे चीचा वो। मम्मी को छोड़ने के लिए मम्मी जा रही है कीर्तन में, मम्मी चाची और अम्मा। यार कहीं तो चैन लेने दे यार आंटी को, मतलब आंटी पूरी कीर्तन में जा रही है पूरी तैयार हुई यार होके, पूरे बंदा जाने से पहले आंटी को विदा किस चीज से कर रहा है भाई। वो दिन दूनी जिस दिन आंटी ने इसका चश्मा उतार के ना इसके ऊपर काली चद्दर डाल के इसका भूत बनाएगी। न्यू आईफोन फॉर अम्मा, भाई मेरे साथ बढ़िया जिंदगी तो भाई अम्मा जी रही है यार। अभी अम्मा आई मेरे पास में, अम्मा बोली मेरा रिचार्ज कर दे इसमें,
मैंने देखा ये फोन छोटा सा फोन। ओह भाई मतलब अम्मा इतने टाइम से इनके साथ रह रही है, लेकिन इसने आज देखा कि अम्मा इतना छोटा फोन चलाती है। भाई साहब बोल रहा है जब अम्मा से कंटेंट निकालना है तेरे को यार। अम्मा व्लॉग भी देखती है, ऊपर से अम्मा व्लॉग ही बनाने लग गई आजकल। हैं अम्मा व्लॉग भी बनाती है? लो भाई इस बंदे ने अम्मा को भी लगा दिया भाई काम पे यार। भाई अम्मा को आईफोन या अम्मा की यूट्यूब मनी से ही तो नहीं दे रहा कहीं? गाइज मैं अम्मा को ना वो सारे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ जो अभी अम्मा को प्लेन में भी लेके जाना है। शुल्लभ भाई अम्मा को वो एक्सपीरियंस तो कराते हो, तुम सबको कराते हो बिजली के झटकों का। एक एक्सपीरियंस तो करना चाहिए अम्मा के लिए न्यू आईफोन लेने के लिए। अंकल ने भाई आते ही पैसे बचाने वाली लॉजिकल बात कर दी। भाई अम्मा क्या करेगी आईफोन का यार, चार टाइम की रोटी दे रहे हैं ना बस बहुत है। अम्मा कह रही है मेरे गांव में सब बोलते थे कि तेरे पास फोन नहीं है, सब चिढ़ाते थे। भाई मुझे तो भाई बहुत रियल बात लग रही है भाई, भाई पक्का अम्मा भाई रोते रोते बोलती हूँ शुलभ भाई से। शुलभ यार गांव में सब मुझे चिढ़ाते हैं यार कि तेरे पास आईफोन नहीं, तेरे पास कीपैड वाला फोन है। शुलभ मुझे भी आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए चाहिए चाहिए। अम्मा बताओ कौन सा कलर? कौन सा? ये तो येलो है। ग्रीन ग्रीन दे दो, ग्रीन बेटर है। भाई अम्मा को ओपिनियन तो इस बंदे ने लेते के साथ ही रिजेक्ट कर दिया। अम्मा कौन सा कलर का चाहिए? अच्छा येलो चाहिए, चलो ठीक है भैया ग्रीन वाला पैक कर दो। इसको एप्पल का फोन लेके। कौन सा फोन लेके? एप्पल का फोन लेके। एप्पल का? सही है यार भाई मुझे नहीं पता था एप्पल के फोन भी आ चुके हैं मार्केट में यार। अम्मा ने एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ली है इसका मतलब एप्पल की। तो अम्मा की आंख में दवाई डाल देता हूं, डॉक्टर ने बोला दवाई डालने के लिए रेगुलरली। अम्मा कह रही है आंखों में ना कुछ पत्थर की तरह चुभते हैं। भाई पहले दवाई डाल दे, मतलब वो बेड पे जो पड़ा हुआ है ना भाई वो असली जिंदा इंसान है यार। भाई वैसे के अम्मा पिछले 10 मिनट से ना भाई आंखें खोल के लेटी स्टैचू की तरह दवाई का इंतजार करते हुए। लेकिन भाई इस बंदे की यहाँ पे कमेंट्री नहीं खत्म हो रही भाई। पीयूष के बर्थडे पे ये क्या हो गया? कितना काम बढ़ा दिया देख तू जरा। मम्मी जो गुस्से में है ना, मतलब बहुत गुस्से में हो ना, मेरे से मत बोल। इस बंदे ने पूरे घर का नाश मार दिया, आंटी का मूड चटका दिया। और ऐसे मूड में आंटी का क्लोजअप ले लेके भाई आंटी का इंटरव्यू ले रहा है भाई कि मम्मी गुस्सा तो आ रहा है ना तुम्हें। भाई तो चले जा, आंटी का गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तेरी जीप से दीवारों पे लगा केक चटवाएंगे अभी। उसके बाद घर के अंदर केक नहीं कटे। भाई चिच्चा जान ने जो खतरनाक वाली धमकी दी है ना भाई, भाई मैंने अपने कच्चे में मुंह दिया भाई। मुझे नहीं लगता आजकल मेरी कभी हिम्मत होगी अपने घर पे भी कभी केक काटने की। भाई कह रही मेरे पास मत आ, कह रही ना पीछे देख ले खाली मेरे को गुस्सा मत चढ़ रहा है। अबे क्या कर रहा है यार ये इसका बर्थडे, अबे और खराब हो रहा है। भाई उधर आंटी गुस्सा है कि इन्होंने पूरे घर में गंद मचा दिया। मतलब उधर इस बंदे की चाची रो रही है कि भाई ये सब साफ करना पड़ेगा। और इधर इस बीमार ने भाई सब और गंद मचा दिया भाई घर के अंदर। भाई बस सही बता रहा हूँ मैं आंटी अंकल के पेशेंट को ना भाई दाद देता हूँ भाई। मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे इतना इरिटेट हो चुका हूँ कि भाई मैं अपनी ना कंप्यूटर की स्क्रीन में मुक्का मारने वाला था इसको देखते देखते। वो बेचारे तो फिर भी इस जानवर को डेली झेल रहे हैं भाई। आज की वीडियो में इतना ही, होगा तो तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई जाते हैं तो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहूंगा, एक बार गीले होकर अपने घर में कोई ना नंगी तार अपनी जीप पे एक बार रगड़ के देखना यार। मतलब क्या एक बार तुम्हें एक्सपीरियंस तो लेना चाहिए यार उसका, इतना तो बनता है यार एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए।